मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉक तो जी सुबह सुबह का टाइम है और बज रहे हैं सुबह के आठ एंड अभी हम सो के उठे हुए एंड आज हमने सोचा कि हम सब के सब पियेंगे कॉफ़ी एक्चुअली में क्या था ना कि दूध काफ़ी बच गया था और बच्चे ना अभी इस टाइम पे दही भी मैं उतना नहीं खिला रही क्योंकि ठंडा हो रहा है तो बच्चों के गले में भी दर्द हो रहा है एक तो मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो हमने बनाई थी कॉफ़ी तो मैं कॉफ़ी बनाकर चारों के लिए लेके गई तो देखिए शराला जी पढ़ा रहे थे अथप को थोड़ा बहुत ओरल करवा रहे थे उसके बाद मैं चाय का ट्रे लेके डाइनिंग टेबल में आ गई डाइनिंग टेबल में फिर हम लोग बैठ गए थे अथर वो मछली को चारा डाल रहा है एक्चुअली में ना क्या है अथर वो ना बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है कि मम्मा फिर को दाना नहीं दिया या मम्मा ऐसा नहीं किया तो फिर उसके पापा ने बोला कि जाओ तुम दे दो देन उसके बाद अथव और अथर के पापा बैठ के बातें करने लग गए थे और मेरे घर का बहुत सारा काम था जो मैं अपने घर का काम करना स्टार्ट कर दिया था मैंने 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 तो थोड़ा ही मेला ऐसा था कि इन दो 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 और कुछ नहीं है खेलने कुछ ही नहीं है बाबा की डाली देखो डाली मुंह में यहाँ पर ले डाली मैं देखो मम्मा तो 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 की डाली यहाँ पापा की डाली और यहाँ पर लिस्ट में यहाँ पर भी हमारी भी आई है तो कैसे है आप सभी लोग आई होप के अच्छे होंगे करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग टाइम से तो अभी रहे सुबह के आठ और सबसे पहले हम आज फिर सुबह सुबह कॉफी क्योंकि अभी आठ बज चुका है और हम लोग आज अभी उठे हैं आज है संडे तो संडे इज़ द हॉलीडे होता तो है सिला जी का भी छुट्टी है एंड बच्चों की भी छुट्टी है तो हम सोचा क्यों ना आज लंच ही बनाएंगे सीधे हम ग्यारह बारह बजे के टाइम पे क्योंकि क्या होता है ना हम लोग लंच रोज़ ही तीन साढ़े तीन बजे करते हैं तो आज हम सोचें थोड़ी देर जल्दी कर लेंगे इससे क्या होगा हमको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा रेस्ट करने का वरना जैसे हम बेड पे लेटते हैं तब तक अंधेरा हो जाता है तो तभी मैंने आज सबके लिए भी कॉफ़ी बनाई मैंने कहा बच्चे भी सब लोग कॉफ़ी पी लेंगे और उसके बाद थोड़ी देर में मैं लंच तैयार कर लूंगी एंड दूसरी बात ये है कि संडे है तो बहुत सारे काम होंगे पेंडिंग से जो करने हैं क्योंकि ना अभी थोड़ा सा दीदी लोग आए थे आप लोगों को पता ही था थोड़ा सा यहाँ पे मैनेजमेंट भी थोड़ा सा ख़राब हो रखा है वो भी ठीक करना है अलमीरा भी हमारी बहुत ख़राब हो रखी है वो भी साफ करने तभी आप एक ही बार लंच बनाते हैं और उसके बाद अपने घर का सारे काम पर लग जाते हैं तो सबसे पहले तो मैं अभी कॉफ़ी इन्जॉय करूँगी और उसके बाद काम पर लगूंगी कॉफ़ी जी लोगों ने पी ली है बट मेरा क्या है ना मैं कॉफ़ी हो या चाय हो हमेशा ठंडी पीती हूँ तो ये देखिए मेरी कॉफ़ी वैसी की वैसी पड़ी हुई है तो अब मैं कॉफ़ी इन्जॉय करती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में तो कॉफ़ी मैंने पी ली है झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है क्योंकि रोज़ रोज़ झाड़ू पोछा भी क्या दिखाना एंड अभी बज रहा है साढ़े नौ और अभी अब मैं बनाती हूँ लंच क्योंकि आधी का ट्यूशन था नौ बजे से आज ट्यूशन चला गया सिरोला जी और अथ नीचे गए हुए फुटबॉल खेलने के लिए और मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है मैं फटाफट दाल चढ़ा देती हूँ और उसके बाद तड़का बाद में मार लूँ जब वो लोग आएंगे तो इससे क्या होगा कि आधी के आंत तक मेरा ना लंच पूरा का पूरा बना रहेगा एंड वो भी फिर उसके बाद पैसा हो के लंच कर लेगा ताकि आज लंच हमारा ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे तक हो जाए तो अब बनाते हैं लंच तो लंच में कुछ नहीं बस दाल चावल और सब्जी बनाऊंगी सोच रही हूँ तो स्टार्ट करते हैं पहले दाल रखती हूँ और उसके बाद किचन के थोड़े से बर्तन कॉफ़ी वाले वो भी वॉश करती हूँ देन उसके बाद और काम होगा कर का तो चलते हैं पहले लंच की तैयारी करते हैं बन रही है हमारी मिक्स दाल और मिक्स दाल पे मैंने ऐड कर रखा है अरहर मलका और लोबिया एंड चने की दाल और उसमें मैं ना हल्का सा नमक ऐड करके उसको रख लूँगी बॉईल होने के लिए क्योंकि ना नमक ऐड करने से क्या होता है तो दाल में नमक हो जाता है दूसरी बात दाल जल्दी पक जाती है एंड अगले साइड में मैं कट करूँगी अब वेजिटेबल्स तो वेजिटेबल्स में मैं सोचूँ कि सूखी सब्जी बनाते हैं कैप्सिकम की टमाटर प्याज मटर और आलू की तो सब मिक्स करके उसकी सब्ज़ी बना के क्योंकि चावल के साथ ना मिक्स सब्जी भी बहुत अच्छी होती है तो थोड़ी सी मिर्ची वाली क्योंकि बच्चे तो सब्जी कम खाते हैं तो उसमें है बस मेरे लिए और सराला जी के लिए बनाऊंगी ताकि थोड़ा सा मिर्ची तेज़ कर दूं और चावल के साथ बहुत टेस्टी होती है उसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं जो करने होंगे बट ये था कि घर का सारा काम हो चुका था और अथर्व और अथर्व के पापा एक साथ थे एंड आधी ट्यूशन गया हुआ था और मेरा टारगेट ये था कि ग्यारह बजे तक मेरा सारा काम हो जाए प्लस मेरा लंच बन जाए ताकि ग्यारह बजे आधी आता है ट्यूशन से उसके बाद हम सब बैठ के लंच कर ले तो टारगेट तो था अब देखो टारगेट टाइम से हो जाए तो अच्छी बात है तो सब्ज़ी मेरी कट हो ही चुकी है और उस साइड पे मेरी दाल बॉईल होने लग गई है अब मैं सबसे पहले सब्ज़ी चढ़ा लूँगी तो सब्ज़ी में रेगुलर में जैसे बनाती हूँ सब्ज़ी वैसे ही बनाऊँगी और उसके बाद इसमें टमाटो ऐड करके सब्जी डाल के सब्जी को भी पकने के लिए रख दूँगी मसाला मेरा बन चुका है और देखिए मैंने इसमें टमाटर मिक्स कर दिए और जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा टमाटर को चॉप नहीं करती हूँ मैं उसको सीधे मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ और उसके बाद डाल देती हूँ एंड फाइनली मैं सारी की सारी सब्ज़ी कढ़ाई में डाल दूँगी और उसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी तो बस ये था कि एक साइड में मेरा ना लंच बन रहा था और दूसरी साइड में मैंने मशीन पे कपड़े डाले हुए थे ताकि ये काम भी मेरा जल्दी से हो जाए और दाल मेरी उस साइड बन चुकी है और बस बचा चावल चढ़ाना तो चावल मैं आराम से चढ़ा लूँगी जिस टाइम पे मतलब ग्यारह बजने वाला होगा उस टाइम पे ताकि चावल गरम गरम ही अच्छा रहे और बस यही है कि ये टाइम पे अगर आज हम लंच करते तो फिर हमको टाइम मिल जाएगा थोड़ी देर मतलब हम लोग गप्पे मार लेना या कुछ और कर लेना शाम के टाइम पे थोड़ी सी चाय साथ में पी लेना बहुत चीज़ें होती हैं वरना क्या होता है ना कि मतलब लंच करने तक हमको तीन बज जाता है और उसके बाद हम तीन बजे के बाद हम थोड़ी देर रेस्ट भी करते थे उठने तक अंधेरा ही हो जाता था फिर जी तो मेरे उठने से पहले चले जाते थे बट मैं सोए रहती थी तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मतलब फुल रेस्ट मिले सबको तो सब काम मैं तभी जल्दी करना स्टार्ट कर दिया था तो दाल मैंने रख ली थी चावल मेरा चढ़ाने को मैंने अभी रखूँगी एंड दूसरी साइड में, में मेरी सब्जी पक रही थी तो साथ में जितने बर्तन थे ना कॉफ़ी के और चाय के तो कॉफी सॉरी चाय तो हमने पीनी कॉफ़ी और दूध के तो मैं सारे के सारे वॉश कर ले रही ली अच्छे से तो बर्तन वॉश करने के बाद फिर ये होगा कि किचन मेरा पूरा क्लीन हो जाएगा बस मुझे चावल चढ़ाने पड़ेंगे और कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उस साइड में मेरे कपड़े भी सब धुल चुके थे और आदि और अथभ दोनों भी घर पे नहीं है तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि क्या होता है जब बच्चे घर पे होते ना तो वो कुछ काम नहीं कर देते पीछे से ना अथव तो मम्मा ये चाहिए मम्मा दादा ने ऐसा कर दिया तो वो बोलता रहता है तो आज का दिन मैं सोच रही हूँ कि बस ऐसे ही बीते बहुत ही मतलब सिंपल सा और बहुत टाइम मिले हमें एक दूसरे के लिए या हम सबको एक दूसरे के लिए ये नहीं कि मतलब हमें एक दूसरे के लिए तो ये सारा काम इसीलिए आज मैंने सोचा कि हम सिर्फ एक टाइम ही ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ कर लेते हैं और डिनर हम रात को करेंगे तो देखिए मेरा लगभग सब कुछ बन चुका है दाल में मैंने तड़का मारे दाल मेरी वहाँ पे रखी हुई है एंड अब मैं ना सैलेड कट करने के लिए मैं खीरे को अच्छे से छील रही हूँ क्योंकि क्या है ना खीरा वैसे भी खाते हैं वैसे खीरा कब अच्छा लगता है जब हम सफ़र में जाते हैं उसमें नमक लाए खाते हैं बट जब हम सैलेड खाते तो मुझे हमेशा खिर ना छिला हुआ है अच्छा लगता है तो मैं खीरा कट कर लूँगी और उसके बाद खीरा कट करने के बाद देखती हूँ कि मेरी सब्ज़ी बन चुकी है मैं सब्ज़ी का भी गैस ऑफ कर लूँगी क्योंकि अभी वो ऑन ही था मैं डिम में सब्ज़ी बना रही थी अब अथव भी आ चुका है तो मैंने अथव और अथभ के पापा को बोला कि आप दोनों वॉशरूम जाओ और फटाफट नहा धो के बाहर को निकल जाओ क्योंकि आधे के आने का टाइम भी हो चुका था और मेरा लगभग देखिए किचन का सारा काम भी हो गया है वो बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं खाना मेरा पक चुका है और ये देखिए सब्जी भी मेरी बन ही चुकी थी क्योंकि मैं बस चेक कर रही थी कि आलू बने हैं या नहीं तो फाइनली मेरा लंच बोलो या ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है ये मेरा सैलेड कटा हुआ है और उस कटोरी पे जो ढक के रखा हुआ है ना उसमें ना अनार थे एंड ये मेरी सब्जी है सूखी सब्जी और कुकर में चावल थे एंड ये दाल है तो सब कुछ मेरा बन गया अब मैं इन सबको ढक के अच्छे से रख लूँगी और उसके बाद मैं खुद चल जाऊँगी वॉशरूम नहाने के लिए क्योंकि मैंने सोचा कि अब मैं नहा लूँगी तब तक ये सब खाना अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा हल्का सा और हम साथ में खा भी लेंगे आदि भी आ जाएगा तो फिर ये बनने के बाद अब चलते हैं आगे की और बस यही था कि सारा काम टाइम से भी हो गया और हमें टाइम भी मिल गया खाने पीने का ऊपर से थोड़ी सी बातें करने का बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठने का वरना बच्चों के साथ बैठने को ना मुझे तो मिलता है बट शि जी को टाइम बहुत कम मिलता है बच्चों के साथ बैठने का तो हाँ उसके बाद क्या हुआ ना जैसे कपड़े तो मैंने वाशिंग मशीन में धो दिए थे बट बच्चों के जो स्कूल के कपड़े होते ना यूनिफॉर्म वो मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ मैंने बहुत बार बताया था तो उनको ना मैंने आजकल ना एक रिन आला आता है मतलब बहुत लोगों ने बोला कि इसको भिगाओ कपड़ों को तो कपड़े उसके बाद साफ़ हो है स्पेशली ना वाइट शर्ट और चीज़ कुछ नहीं डालना पड़ता सिर्फ वाइट शर्ट तो मैंने वाइट शर्ट भिगा रखी थी अथर्व और आदि के दोनों के स्कूल की क्योंकि बहुत गंदी बना के ला रहे हैं ये लोग आजकल वाइट शर्ट तो उसके बाद मैं इनकी वाइट शर्ट को दोनों लग गई थी वॉशरूम में और दूसरे वाले वॉशरूम में दोनों को दोनों अथव अथव के पापा नहाने के लिए गए हुए थे तो यही है कि आला डाल के थोड़ा सा अच्छा हो रहा है कि दो तीन बार अगर हम ब्रश से रगड़ रहे हैं ना तो साफ़ हो जा रहा है बट उतना साफ फिर भी नहीं हो रहा मतलब टाइम तो लग ही रहा है और ये नहीं कि हम इसको मशीन में डाल सकते हैं मशीन में डाल के तो और ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है पता नहीं इतने बच्चे इतना डस्ट कहाँ से लेके आते हैं पूरे की पूरी शर्ट उनकी बहुत ज़्यादा गंदी हुई रहती है तो अब मैं इनकी शर्ट को वॉश कर रही हूँ और उसके बाद मैं सोची थी कि एक बार अच्छे से ब्रश से करने के बाद फिर इनको मशीन में डालूंगी ताकि दोबारा फिर थोड़ा मशीन में धुल जाए तो और अच्छे से क्लीन हो जाए तो सोचा है क्योंकि इसके बाद मैं सोची थी कि मैं भी नहा लूँगी और नहाने के बाद फिर करेंगे हम लंच और ब्रेकफास्ट साथ में तो आतर भी अभी है नहीं यहाँ पे आधी बस आने ही वाला होगा टाइम भी हो चुका है और इतना आधी की शर्ट ज़्यादा गंदी होती है अथहव की उतनी नहीं होती पता नहीं क्यों अथर्व के सूज़ भी गंदे नहीं होते बट आधी की तो बहुत ज़्यादा गंदी होती है एंड उसके बाद मैं चली गई थी वॉशरूम में नहाने के लिए नहा के आने के बाद अब बन चुका है हमारा लंच एंड ब्रेकफास्ट तो आज हमने सोचा क्यों ना हम बाहर धूप पे एकदम आराम से लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ में कर ले तो देखिए बच्चे भी सारे आ चुके हैं बट ना आदि को धूप पसंद नहीं है वो धूप में बहुत कम बैठता है तो हम दोनों तो बैठ चुके थे धूप में और मैंने सब के लिए खाना सर्व भी कर लिया था आदा रूम मेरे साथ ही बैठा हुआ था इस साइड पर और आदि गया हुआ था अंदर वाले रूम पर देखो मैं उसके ना उसके, उसके लिए जो चावल थे उसको मैं अच्छे से दाल पर मिला के उसको दे रही हूँ और वो पता अपनी थाली लेके सीधे अंदर जाएगा वो बोल रहा था कि मम्मा मुझे अंदर ही खाना तो मैंने कहा ठीक है तुम अंदर ही खा लो और श्रोल जी को भी पता है बहुत गर्मी हो गई थी धूप में बैठे क्योंकि मैं तो नहा के आई थी मुझे उतनी गर्मी नहीं हो रही थी उन्होंने ना गर्म पहना हुआ था ऊपर से अपर तो उन्होंने अपना अपर भी खोल दिया था मतलब मौसम बहुत अच्छा है उतनी गर्मी नहीं हो रही है यहाँ पे देखिए हवा भी कितनी चल रही है मेरा इतना कम मोटा वाला कम्बल भी ना कैसे हिल रहा है हवा भी अच्छी चल रही थी आधा आदि भी आ चुका है सबके लिए स्पून लेके क्योंकि हम दोनों तो हाथ से ही खाते हैं हमेशा खाना पर आधी अच्छा हाथ से नहीं खाते वो स्पून से ही खाते हैं तो इसलिए आदि चला गया अपना लंच लेके अंदर की ओर और, और हम दोनों अभी कर रहे हैं लंच तो लंच करते करते बस थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे थे शेल जी बता रहे थे मुझे कि अथभव ने ऐसा किया ऐसा नीचे ना वो बहुत बदमाशी करता है तो बता रहे थे मुझे और उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है तो अथव बोलते कि मम्मा आपने ना मेरे उसमें ज़्यादा भात दिया कम भात दिया हमारे यहाँ ना चावल को भात कहते हैं तो अथह भात ही बोलता है वो भात भी नहीं बोलता वो भा बोलता है तो मैंने बोला नहीं बेटा आपके आपको तो बहुत कम दिया आप इसको फिनिश कर लो तो आप दादा से बड़े हो जाओगे तो जैसे मैं ऐसा बोल रूँ ना तो वो फटाफट खा रहा है मतलब होता ना बच्चों में एक जेलसी की भावना हो ही जाती है कि नहीं मैं दादा से बड़ा हो जाऊँगा एंड फाइनली हो चुका है हमारा लंच तो लंच करने के बाद अब करते हैं रेस्ट। हमारा लंच और लंच करने के बाद हम सब ने आज सब के सब रेस्ट में थे उसके बाद में मैंने कोई वीडियो शूट भी नहीं किया क्योंकि क्या था कि लगभग हमारा साढ़े ग्यारह बजे तक लंच हो गया था बर्तन बर्तन धोने तक बारह बज गया था और मैंने बोला कि आज संडे तो आज फुल हॉलीडे करते हैं आज सो जाते हैं क्योंकि मतलब इस बीच में ना हम लोग बहुत ज़्यादा भगदड़ में रहे कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कही। तो आज हम सोचा कि हम सो जाते हैं तो हम फिर सबके सब बच्चे भी अथभ भी आदि भी हम सब सो गए थे और उसके बाद हम उठे हैं चार बजे अभी चार बजे उठे हुए तो मतलब सोने तक तो एक डेढ़ बज ही गया था फिर उसके बाद अभी बच्चों ने पी लिया है दूध और सिरोला जी गए हुए हैं कहीं मार्केट की तरफ गए हुए हैं एंड मैं अब करती हूँ बच्चों के कपड़ों में प्रेस क्योंकि क्या हुआ कल सैटरडे था संडे है तो कल मंडे है तो मंडे फिर वही रूटीन चलेगा तो कपड़ों में प्रेस अभी करके कर रख दूँगी तो सुबह के लिए अच्छा हो जाएगा तो अभी कपड़ों में बच्चों के प्रेस करती हूँ एंड शाम के लिए सब्जी वगैरह वगैरह काटती हूँ और उसके बाद आटा भी गूंधना होगा एंड बच्चों को देखना भी होगा उनके आज ना मैंने उनके बैग भी धोए थे स्कूल के तो उनका टाइम टेबल सेट करना वो तो खुद ही कर लेंगे अब बच्चे बड़े हो चुके हैं आता की तो सिर्फ दो ही बुक्स होती है तो वो दो बुक्स रोज़ जाती हैं और उसके बाद वही बुक्स वापस आती हैं एंड आदि अपना टाइम टेबल खुद ही सेट कर लेता है तो आज का दिन भर का रूटीन मेरा ये था मतलब यही था कि आज संडे होने के बावजूद भी हम लोगों ने मतलब इतना लेट उठने के बाद भी हमने टाइम से खाना खा लिया था और टाइम से हमने फुल रेस्ट भी कर लिया था तो यही है कि हम लोग मतलब तो अगर मेहनत से काम करें तो सारा काम बहुत आसानी से हो जाता है और समय भी मिल जाता है हमें खुद के लिए खुद की केयर करने के लिए सबसे बड़ी बात है ना सोने के लिए और आपको पता है श्रोलाजी को भी सोना बहुत पसंद है तो वो तो अभी ज़बरदस्ती जब मैंने उठाया ना उनको तब उठे हुए हैं और उठ के भी वो मार्केट गए क्योंकि ना पेट्रोल ख़त्म हो गया था स्कूटी के में तो वो पेट्रोल भरने के लिए मार्केट चले गए और बच्चे देख रहे हैं टी और अब मैं करती हूँ कपड़ों में प्रेस और कुछ और सारे जो मेरे काम हैं वो करती हूँ एंड वीडियो को अपना मैं यहीं पर एंड करती हूँ और वही बात रोज की अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ओके बाय मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ स्वस्थ रहिए मस्त रहिए बाय